हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल इंग्लिश विद सुनीता मैम। टुडे वी विल डिस्कशन अबाउट द सेकंड चैप्टर एंड सेकंड चैप्टर क्लास सेवन्थ एंड सेकंड चैप्टर नेम इज योर अमेजिंग ब्रेन। वी हैव टू टॉट द फर्स्ट चैप्टर एंड टुडे वी विल डिस्कस अबाउट द सेकंड चैप्टर एंड इन द चैप्टर नेम इज योर अमेजिंग ब्रेन से ही आपको पता चल रहा है कि इट इज रिलेटेड अबाउट द ब्रेन। इसमें जो समाज सेकंड चैप्टर में बताया गया है कि जो हमारा ब्रेन है इतना अमेजिंग ब्रेन है कि इसके ऊपर इतने कि सुपर कंप्यूटर वगैरह जो भी बने हैं ना, वो हमारी लाइक ब्रेन पे ही बने हैं। कि जिस तरह से हमारा ब्रेन काम करता है उस तरह से सुपर कंप्यूटर काम करते हैं, ना कि हम सुपर कंप्यूटर की तरह काम करते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल डिस्कस अबाउट द वार्म योर सेल्फ। हम यहाँ से पढ़ेंगे कि आखिरकार इस जो चैप्टर में या दे क्या रखा है। ओके, सो यू कैरी अराउंड ए 3 pound मास ऑफ रिंकली मटेरियल इन योर हेयर दैट कंट्रोल्स एवरी सिंगल थिंग टू यू विल एवर डू। जिस तरह से हम 3 pound मास को, जैसे हमारे रिंकल्स होते हैं, झूरीदार जो समूह होता है उसके जो 3 pound, जिस तरह से हम उसको 3 बार राउंड 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 कर दें, तो उसी तरह का जो मटेरियल होता है इन योर हेड, आपके हेड में होता है। जिस तरह से हम जूरीदार को, समूह जूरीदार होता है ना, उसको 3 बार हम राउंड राउंड कर देंगे तो उसी तरह का मटेरियल हमारे माइंड में होता है। दैट्स कंट्रोल एवरी सिंगल सोर्स, सारी जो एवरी सिंगल्स जो न्यूरोन होती हैं वो कंट्रोल होती हैं योर विल डू, जैसा कि आप करोगे उसी के अकॉर्डिंग वो कंट्रोल होती हैं। फ्रॉम एनेबलिंग यू टू थिंक, जिस तरह से आपका जो सोचने पे आप सक्रिय हो जाते हैं, लर्न करते हैं, क्रिएट करते हैं, क्रिएशन होता है, एंड फील इमोशंस, टू कंट्रोलिंग एवरी ब्लिंक ब्रीथ एंड हार्ट ब्रीथ। तो जिस तरह से हम सोचते हैं, हम किसी को लर्न करते हैं या किसी चीज़ का निर्माण करते हैं, क्रिएट करते हैं, सोचते हैं, इमोशंस होता है, वो इतनी फास्टली होता है। जब हम किसी, जैसे एक झपकी हम लेते हैं ना, एक झपकी से भी झपकी किसी होती है, जैसे हमारे पलक को हम झपकाते हैं, वह अकॉर्डिंग टू द ब्लिंक, या फिर हम जो ब्रीथ करते हैं, सांस लेते हैं एंड हार्ट बीट, या फिर हमारे जो दिल की धड़कन होती है वो बीट करती है लाइक दैट में, उनकी तरह है, इतना फास्टली ये काम करता है। दिस फंटास्टिक कंट्रोल सेंटर इज योर ब्रेन। ये बहुत ही शानदार सेंटर है आपके माइंड में। इट इज ए स्ट्रक्चर सो अमेजिंग दैट ए फेमस साइंटिस्ट वंस कॉल्ड इट, कि एक बहुत ही जो इस स्ट्रक्चर में जो पता अमेजिंग है स्ट्रक्चर है, ये जो अमेजिंग स्ट्रक्चर है हमारे माइंड में, इन साइड द माइंड, तो एक फेमस साइंटिस्ट ने इसके बारे में कहा है कि द मोस्ट कॉम्प्लेक्स थिंग, के बहुत स्टार्टिंग में ये बहुत कॉम्प्लेक्स थिंग थी, बट वी हैव येट डिस्कवर्ड, जब ये खोजा गया इन आवर यूनिवर्स में, बट ग्रेजुअली इट इज ए वेरी सिंपल दैट अकॉर्डिंग टू द टाइम, जैसे टाइम आया उसके अकॉर्डिंग ये सिंपल होता चला गया। योर ब्रेन इज फास्ट एंड मोर पावरफुल देन ए सुपर कंप्यूटर, कि हमारा जो ब्रेन होता है वो इतना फास्टली काम करता है और इतना मोर पावरफुल होता है जितना कि सुपर कंप्यूटर, जैसे मैंने अभी आपको बिफोर ए फ्यू मिनट पहले मैंने आपको बताया है। ओके, सो जो हमारा जो चैप्टर स्टार्ट होता है वो एक एग्जाम्पल से स्टार्ट होता है। इट इज स्टार्टेड विद एक एग्जाम्पल, योर किटन इज ऑन द किचन काउंटर, कि जो एक किटन है, जो एक बिल्ली का बच्चा है, वो एक किचन काउंटर पे, किचन का जो प्लेटफॉर्म होता है उसके ऊपर बैठा हुआ है। शी इज अबाउट टू स्टेप ऑन टू ए हॉट स्टोव, और वो किसके ओर स्टेप कर रहा है, किसकी ओर बढ़ता है, एक जो गर्म स्टोव होता है उसकी ओर बढ़ रहा है। यू हैव ओनली सेकेंड टू एक्ट, और जैसे ही वो कुछ ही क्षण में वो क्या करता है, दूसरा एक्ट किसलिए करता है, थोड़ा सा मैं इसको सेट कर देती हूँ। जी, सेंसिंग द सिग्नल्स कमिंग फ्रॉम योर आईज, योर ब्रेन क्विकली कैलकुलेट्स व्हेन, वेयर एंड एट व्हाट स्पीड यू विल नीड टू डाइव टू इंटरसेप्ट हर। देखो, इसमें सेंसिंग होता है पहुंचने तक, जब जैसे उस वो गर्म स्टोव की तरफ बढ़ती है तो क्या होता है, तभी उसके माइंड में ये चीज़ें चल रही होती हैं, मतलब वो इतना फास्टली काम करता है कि पहुंचने से पहले उसके माइंड को ये आभास हो जाता है और वो
उसके पूरी बॉडी को ये सिग्नल दे देता है कि, और वो योर आईज योर ब्रेन, और उसकी जो आंखें होती हैं उसका जो ब्रेन होता है वो क्विकली कैलकुलेट करता है, यानी तेजी से काम करता है कि कब कहाँ और किस स्पीड में उसको ये चीज चाहिए कि उसको ये काम करना है या नहीं करना है, इससे उसको लॉस होगा या उसे प्रॉफिट होगा, वो किस दिशा में जाए, ये सारी चीजें कैलकुलेट करके वो उसकी ओर स्पीडली सेंड कर देता है एंड डायरेक्ट टू इंटरसेप्ट, और उसको अवरुद्ध कर देता है जाने में। अगर देखो अगर वो गर्म स्टोव है की तरफ वो बढ़ रही थी स्पीड कर स्टेप पे, अगर उसको वो सेंस नहीं होता कि ये गर्म है तो अब ये मान लो वो जल जल भी सकती थी वहां पे, तो उसके माइंड ने फास्टली क्विकली वो वर्क किया, कैलकुलेट किया, तभी तो वो वहां से फट से वहां से उसने दूसरा एक्ट किया, यानी कि वहां से वो हट गई। ओके एंड देन इट ऑर्डर्स योर मसल्स टू डू सो, और इसी ऑर्डर्स में उसने अपने मसल को वो काम करने पे बाध्य किया, क्योंकि उसके मसल्स थी वहां पे वो वहां से ऐसा काम किया, वहां से वो हट गई। योर टाइमिंग इज परफेक्ट एंड सी सेफ, कि वो टाइमिंग परफेक्ट हो गई ना, मतलब उसे फट उसे सेंस हो गया, उस फास्टली सेंस हो गया उसे तो ये मेरे लिए नुकसानदेह है, और वो वहां से सेफ हो गई। नो कंप्यूटर कैन कम क्लोज टू योर ब्रेन अवे फ्रॉम एबिलिटी टू डाउनलोड प्रोसेस एंड रिएक्ट टू द फ्लोड ऑफ इंफॉर्मेशन कमिंग फ्रॉम योर आईज ईयर्स एंड अदर सेंसरी ऑर्गन्स। एंड जो नो कंप्यूटर कैन कम क्लोज टू योर ब्रेन अवेशम, कि जो आपके जो कंप्यूटर ऐसा काम क्लोज वाला काम जो जिस तरह से उसके ब्रेन ने किया ना, बहुत बढ़िया काम अवेशम होता है बहुत बढ़िया, तो ऐसा वो कंप्यूटर के क्लोज चला जाता है कि कंप्यूटर इसी कंडीशन में काम करता है, उसको एबिलिटी टू डाउनलोड कि वो उसको डाउनलोड करता है प्रोसेस करता है एंड उस फास्टली उसको रिएक्ट करता है एंड फ्लूड ऑफ इंफॉर्मेशन, और जल्दी से उसकी इंफॉर्मेशन को उसकी आंखों तक उसके कानों तक और अदर जो सेंसरी उसके ऑर्गन्स है जो ऑर्गन्स है वहां तक उसने पहुंचा दिया और फास्टली उसने अपने आप को सेव कर लिया। तो ये यहाँ पे इसकी कंपेरिजन कंप्यूटर से किया गया है। ओके एंड नेक्स्ट योर ब्रेन जनरेट्स इनफ इलेक्ट्रिसिटी टू पावर ए लाइट बल्ब, एंड योर ब्रेन जनरेट इनफ इलेक्ट्रिसिटी टू पावर ए लाइट बल्ब में इसमें दिया गया है कि जो तुम्हारी जो ब्रेन होती है वो जनरेट करती है, जो वर्क करती है, जनरेट मीन्स यहाँ पे वर्क करना ज्यादा, किसके समान इलेक्ट्रिसिटी टू पावर ए लाइट बल्ब, जिस तरह से हम इलेक्ट्रिसिटी को ऑन करते हैं बल्ब के पावर को ऑन करते, तो जो लाइट जो बल्ब होता है लाइट वाला बल्ब होता है वो फास्टली वर्क करता है ना, तो उसी के अकॉर्डिंग इसको बताया गया कि आपका ब्रेन भी उसी के अकॉर्डिंग फास्टली वर्क करता है। योर ब्रेन कंटेन्स अबाउट 100 बिलियन माइक्रोस्कोपिक सेल्स कॉल्ड न्यूरॉन्स, सो मैनी दैट इट वुड टेक योर ओवर 3000 ईयर्स टू काउंट देम ऑल। और जो ये जो आपकी आपके ब्रेन के अंदर जो कंटेंट्स लिया गया है ये लगभग आप अबाउट 100 बिलियंस, 100 बिलियंस कितने होते हैं आप काउंट कर लो, तो 100 बिलियंस, बिलियंस के बाद बिलियंस आता है। ओके जो उसके माइक्रोस्कोपिक जो सेल्स होते हैं कॉल्ड न्यूरोज, उस उनको क्या कहे जाते हैं, न्यूरोज कहे जाते हैं, यानी कि अपने माइंड के अंदर 100 बिलियंस माइक्रोस्कोपिक जो सेल्स होते हैं वो वर्क कर रहे होते हैं, और वो सामान्य तौर पे क्या कहलाते हैं, न्यूरोज कहलाते हैं। सो मैनी दैट इट वुड टेक योर ओवर 3000 ईयर्स टू काउंट देम ऑल, ये 3000 साल पहले ये चीजें काउंट हो चुकी थी। ओके वेन एवर यू ड्रीम, जब भी आप ड्रीम देखते हो, लाफ थिंक सी और मूव, लाफ करते हो, थिंक करते हो, देखते हो, मूव करते हो, तो इट्स बिकॉज टिनी केमिकल एंड इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स आर रेसिंग बिटवीन दीज न्यूरोज, बिटवीन दीज न्यूरोज अलॉन्ग बिलियंस ऑफ टिनी न्यूरोज हाईवे। ये आप मान के इस तरह से वर्क करता है कि टिनी होता है छोटा जो आपका सामूहिक जो न्यूरोज होते हैं, और एक सिंग इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स जो देती हैं,
तो उसमें जो आपके न्यूरोज होती हैं वो बिलियंस में, आपको मैं इस तरह समझाऊं कि जैसे अपने माइंड में छोटे 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 जो न्यूरोज होती हैं और वो कंट्रोल होती हैं एक बड़े न्यूरोन से, जिस तरह से एक हाईवे होता है और हाईवे से छोटे 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 जो पाथ निकलते हैं, रोड निकलती हैं, छोटे छोटे रास्ते निकलते हैं, उसी तरह से बड़े न्यूरो होती है और उस वहाँ से छोटे 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 न्यूरॉन्स निकलती हैं और वो उसके ऊपर उसका कंट्रोल होता है, वो उसको काम है अपना देती रहती है, उससे पता चलता है कि इस इनसे कैसा चल रहा है। बिलीव इट और नॉट, इस पे आप विश्वास करें या न करें, द एक्टिविटी इन योर ब्रेन नेवर स्टॉप, कि आपके जो ब्रेन की जो एक्टिविटी होती है वो कभी भी स्टॉप नहीं होती है, चाहे आप सो रहे हों, जग रहे हों या कोई काम कर रहे हो, नहीं कर रहे हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। फर्क इससे पड़ता है कि ये एनी टाइम अपना वर्क करती रहती है। काउंटलेस मैसेज जीप अराउंड इन साइड इट एवरी सेकेंड लाइक ए सुपर चार्ज पिनबॉल मशीन। और ये काउंटलेस मैसेज यानी कि किसको आप काउंट भी नहीं कर सकते, इस तरह से काउंटलेस मैसेज होती है। जिप जिप होती है सनसनाहट, जिप मीन्स होती है सनसनाहट, इस तरह से आपको सनसनाहट देती रहती है। आपके सेंस जो आपके ऑर्गन्स होते हैं उसमें एक सनसनाहट साइज देखो, ये आपने साइंस में पढ़ा होगा, अगर आपने साइंस में पढ़ा तो आपको इजिली से समझ में आ जाएगा कि न्यूरोस क्या होती हैं और मतलब इसकी जो ब्रेन के अंदर के क्या क्या वर्क करता है, किस तरह से हमें फास्टली वो हमारे पास मैसेज पहुंचा देता है। देखो आप हमारे अगर पाँव में कोई कांटा भी चुभता है तो हमें फास्टली उस चीज़ का सेंस हो जाता है कि हमारे पाँव में कांटा चुभा और हमें पेन हो रहा है, ओके, और फट से उस कांटे को बाहर निकाल के फेंक देती हैं। तो ये चीज़ हमारे माइंड से डेवलप होती है। इंसान इट एवरी सेकेंड लाइक ए सुपर चार्ज पिनबॉल मशीन, किस तरह से पिनबॉल होता है, एक गेम होता है, एक गेम की तरह ये सुपर चार्ज होता है, ओके। योर न्यूरोस क्रिएट एंड सेंड मोर मैसेज देन ऑल द फोन्स इन द एंटायर वर्ल्ड। और जो आपकी न्यूरोन्स होती हैं जो क्रिएट करती हैं सेंड मोर, मतलब जो न्यूरॉन्स होती है वहीं से आप वो चीज़ें सेंस होती है वो क्रिएट होती हैं और फिर बाकी जगह पे जो मैसेज होता है वो पहुंचा दिया जाता है, किसकी तरह, देन ऑल द फोन्स इन द एंटायर वर्ल्ड, कि जैसे हमारे पूरे वर्ल्ड में जो हमारे फोन वगैरह काम करते हैं, तो फोन किसी एक प्रॉपर किसी घर में तो काम करता नहीं है, पूरे वर्ल्ड में फोन काम कर रहे होते हैं ना, हम कहीं पर भी मिलाते हैं, हमारे नॉन होते हैं या नॉन होते हैं, कहीं पर भी हम फोन मिलाते हैं तो फोन जट चला जाता है। क्यों चला जाता है, क्योंकि वो पूरे पूरे जो वर्ल्ड में उसके वायर्स फैले या ऊपर से कनेक्ट जो होता है तो वो उसकी उसको वो कैच कर लेता है, इस तरह से वहाँ पे वो फोन चला जाता है। उसी तरह से ये इसकी जो न्यूरॉन्स होती हैं छोटी छोटी वो उससे बड़े वाले से कनेक्ट होती हैं, तो बड़े वाले जब जैसे ही बड़े वाले के पास जो बड़े जो न्यूरॉन्स होती है वो सेंस पहुंचता है, वो फट से दूसरे अपने छोटे वाले के पास ट्रांसफर कर देता है और उसके पास वो वर्क करता है। एंड वाइल ए सिंगल न्यूरॉन्स जनरेट, और उस तरह से सिंगल जो न्यूरॉन्स होते हैं वो उत्पन्न हो जाते हैं, जनरेट हो जाते हैं, अपना वर्क करना स्टार्ट कर देती है। ओनली ए टिनी अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, और जो छोटे से छोटे होते हैं वो उसके पास भी वो सेंस पहुँच जाती है, वो इलेक्ट्रिसिटी पहुँच जाती है। ऑल योर न्यूरॉन्स टुगेदर कैन जनरेट इनफ इलेक्ट्रिसिटी टू पावर ए लो वोल्टेज बल्ब। और जैसे दूर बहुत दूर की जो न्यूरोस होती है बहुत छोटी छोटी जो भी होती है ना, जैसे जैसे एक बल्ब होता है तो वो जैसे हमारे पास कम लाइट हो तो उसमें वो कम जलने लग जाता है, तो उसी तरह से अगर उसकी पहुंच से वो दूर है तो काम वो जरूर करेगी, वर्क वो जरूर करती है, लेकिन वो धीमे वर्क करती है, उसकी की जो पावर क्षमता होती है, कैपेसिटी होती है वो लो हो जाती है, तो उसी से इसकी कंपैरिजन किया गया है। आई होप आप लोगों को जो आज का फर्स्ट पार्ट है चैप्टर सेकंड का वो समझ में आ गया होगा, जैसे अगर आप एक दो बार वीडियो को देखेंगे तो आपको सब क्लियर हो जाएगा, इसकी जो वर्ड मीनिंग है वो उसकी पास में मैंने राइट कर दी है, और इसके जब हमारा चैप्टर फिनिश हो जाएगा तब हम इसके क्वेश्चन आंसर लेके आऊँगी, ओके। तो मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि फर्स्ट ऑफ ऑल आपको नोटिफिकेशन मिल जाए, और अगर कोई सजेशन को कमेंट देना हो तो कमेंट बॉक्स में जाके दे सकते हैं। ओके, बाय बाय गाइस।